गाइस कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो अभी मैं और मेरा भाई और मेरी बहन और साहिल भाई हम लोग जा रहे हैं रडियाना एक डॉगी को देखने। डॉग को देखने जा रही क्योंकि वो ना थोड़ा बहुत अनहेल्दी सा है, उसको फीड करने जा रहे हैं और वहाँ के लोगों को बोलेंगे कि इसको फीड कर दो, हम फीड दे देंगे उनको। तो अभी आकृति आई है, चाउमिन खाने गई है अपने दोस्तों के साथ, वो आएगी तो वो तैयार होएगी, फिर उसके साथ हम जाएंगे। आकृति आ चुकी है, दिमाग ख़राब कर रही है, अंदर जोर जोर से बोल रही है पूल नहीं जाना, पूल नहीं जाना। ये अभी मैं आपको सीन बाद में बताऊँगी, चुप चुप बाद में बताऊँगी, अभी नीचे उतर के यहाँ पे नहीं हो सकती। मैं मनो और आकृति और साहिल जा रहे हैं रडियाना, वहाँ पे पूल भी है वैसे, तो हम उस डॉग को ही देखने जा रहे हैं। और घर वालों को ये नहीं पता है कि हम पूल में भी जाएंगे नहाने के लिए, क्योंकि गर्मी बहुत है यार और मन भी कर रहा है पूल में नहाने का, इसलिए ये था सीक्रेट। ये डॉग है, इतना मोटा था ये पहले थी। हाय ले दे, ऐसे 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 खिलाओगे? रुको लो इस पे दो, पागल हो गया यार। हमने इसको फीड दे दी है और जो हमारे पास थोड़ी सी फीड हम लेकर आए हैं वो यहाँ पे एक अंकल को दे देंगे, वो इसको दे देंगे क्योंकि ये बोलते हैं कि बहुत मोटी थी है, पतली हो गई है। तो हम नहाए नहीं पूल में क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे, अब हम लोग जा रहे हैं घर को सैड होकर कितनी धूप में। बस मिल जाएगी पैदल तो मैं जाने से, पैदल मैं जाऊंगी नहीं क्योंकि मैं काली हो गई थी उस दिन भी, बहुत काली हो गई थी यार। कोई बात नहीं, जब पैसे होंगे ना तब आएंगे, कल या परसों आएंगे फिर देखते हैं। बस वाले भी बेइज्जती करके जा रहे हैं, बस ही नहीं रुकी, कितना बुरा था वो गंदा अंकल। आकृति का मुंह बन चुका है, गुस्सा आ रहा है मेरे को क्योंकि मैं इसको पूल के बहाने लेकर आई थी और मैंने इसको जाने दिए, पैसे नहीं थे यार। अब हम किसी और के पैसों पे नहीं कर सकते कुछ, स्पेशली कुत्ते के लिए ही आई थी है ना मन्नू। यस तेरा साथ देने आया था। यस आकृति सिर्फ पूल के लिए आई थी, मेरा साथ थोड़ी ना देने आई थी, इसको अपने से मतलब है। शायद बस आ गई, ट्रक लग रहा है यार, बस ही नहीं आ रही, ना बस आ रही है। वो सरकारी बस वाला हमारे सामने इतना एटीट्यूड मार के गया ना, सरकारी बस वालों नौकरी से निकलवा दूंगी, पर खुद कुछ हूं नहीं मैं, सॉरी। शायद बस आई, अबे यार अंकल पिंजरे में ही बंद करके ले चलो। आकृति की शक्ल उल्टी जैसी दिख रही है क्योंकि इसको मन था नहाने का। कोई बात नहीं आकृति, एक दिन हम इतने बड़े आदमी बनेंगे ना, हमारा पुल होएगा घर के आगे। ओ ठीक है मन्नू, जब हम नया घर बनाएंगे ना तो उस घर के आगे हम एक पुल बनाएंगे। हमारा घर ना जो ज़मीन है ना वो यहाँ से नीचे ही है वैसे, किसी दिन आएंगे ना हम तो आपको दिखाएंगे। एक दिन मैं इतनी अमीर आदमी बनूँगी ना, सॉरी औरत बनूँगी, पैसा ही पैसा होगा, फिर मैं तरसूंगी नहीं पैसों के लिए कि हाँ भाई मेरे पास आज पैसे नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती, मैं वो नहीं कर सकती। बड़ा दुख होता है यार जब पैसे नहीं होते किराए के लिए पैसे। हम तीनों घर के चप्पलों में आए हुए हैं, मन्नू तो लेटरिंग वाली चप्पलों में आया हुआ है हमारी शक्लें देख लो, गरीबों की कपड़े देख लो, फ्री वाईफाई लिखा हुआ, झूठ बोलते हैं साले। लौट के बुद्धू घर को आ गए, अब मन्नू बना रहा है नींबू पानी, मेरे लिए भी बना, अपने के लिए बना रहा हूं। मेरे लिए भी बना, नींबू मैं लाई हूं, पैसे तो मेरे थे ना, तो जो मर्जी है, मैं अब मेरी मेहनत भी थी, इतनी धूप में नींबू लेकर आई हूं। मुझे इतने सारे बर्तन धोने हैं यार,
झंड लाइफ है मेरी तो सच में। इतनी गर्मी में पूल भी जाने को नहीं मिला, फिर घर आके बस में आए, थक गई, अब बर्तन धोऊंगी। ठंडा ठंडा नींबू पानी, वो भी मनु ने मेरे को नींबू ऐसे लगा के दिया जैसे रेस्टोरेंट में नहीं लगा के देते, स्ट्रॉ भी दे देता है, एक स्ट्रॉ है नहीं हमारे पास तो। चीयर्स। सो गाइस, मैं बर्तन धो के आ चुकी हूँ और मैं इस शीशे में अच्छी नहीं आ रही हूँ, काली आ रही हूँ, पर फिर भी बनाऊँगी मैं वीडियो। और अब मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी, आकृति तो रेस्ट कर रही है यहाँ पे मेरे सामने लेटी है, मैं दिखा नहीं सकती, बड़े ही अजीब व्यवस्था में लेटी हुई है ये। तो मैं रेस्ट करने के बाद शाम को आपसे मिलती हूँ, क्योंकि शाम को हमने जाना है फीडिंग के लिए, फिर आपसे मिलती हूँ। अब हम जा रहे हैं फीडिंग के लिए और मैंने दो भुट्टे बना लिए हैं जैसे हम स्कूल में बनाते थे, छोटी छोटी बनी हुई है ऐसे लेके चलते हैं। और दीदी मेरे साथ होती है शाम को। क्यों थैला? अरे अच्छा नहीं लगेगा, चलो ठीक है। और ये तो हमारे साथ ही होते हैं दो, ये नहीं होता, ये आधे रास्ते तक हो गए, ये पूरे में हो गए। हम लोग फीड करा के आ चुके हैं और सॉरी मैं आपको दिखा नहीं पाई, अगर आपको वीडियोस देखनी ही है तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मेरी वीडियोस देख सकते हो, तो फॉलो कर देना, ये लो ये आईडी है, ठीक है, जल्दी जल्दी फॉलो कर देना और 2000 फॉलोवर करवा दो यार जल्दी से। ऐसा बच्चा था कालू के नसीब में, ये मेरे को ढूंढती हुई पता नहीं कहाँ कहाँ भाग गई, इधर हूँ मैं, यहाँ हूँ मैं, कहाँ गई थी मेरे को ढूंढने, हैं कहाँ गई थी बेचारी मेरी सुंदरी, मेरी सुंदर बच्ची है ये। विवान मेरे को भी, मेरे को देगा कि नहीं? कहाँ बोलना? टकलू क्या तेरा तो यही डायलॉग हो गया, मेरे को भी दे दे, मेरे को दे दे यार, थैंक यू। तेरी वीडियो बन रही है देख इधर। विवान हेलो गाइस बोल, हेलो गाइस इधर बोल, इधर इधर सुनता ही नहीं है, नहीं खाई खा लेती है, ज़्यादा नहीं मिलेगा। छोड़ भाई मैं तो नहीं मांगा। सो गाइस अभी हम शाम को ऐसे ही मॉर्निंग वॉक तो नहीं सॉरी इवनिंग वॉक बोलते हैं, पर हम ऐसे बैठे हुए हैं ऐसे बेंच पे अपने घर के बाहर बैठते हैं हम ऐसे ही मजे से, क्योंकि गर्मी है ना घर पे तो इतने उबाल गर्मी होती है, तो हम बैठ नहीं सकते, हम बाहर आते हैं। मैं ब्लॉग बना रही हूँ और बड़ी मम्मी वहाँ वेट कर रही है कि मैं आके बैठूंगी जब ब्लॉग बंद करेगी। आ जाओ, मैं घर आ चुकी हूँ और मैंने डिनर कर लिया है, सॉरी मैंने दिखाया नहीं आपको, अभी डिनर के बाद अभी सब जब डिनर कर लेंगे ना तो हम आइसक्रीम खाएंगे, वो आपको दिखाऊंगी। और इसको देखो जरा गाड़ी की का, बस इसका रात का और शाम का यही काम होता है, कान में ईयरफोन घोंप लेगी और शीशे के आगे खड़ी हो, शीशे के आगे बैठ के एक्टिंग करती रहेगी बस, इसको पता भी नहीं है मैं इसके बारे में बोल रही हूँ। लफी के खेलने का टाइम हो चुका है, ओए लफी कैच करने देना इसको, वो मैंने अपने होठों पे मलाई लगाई है क्योंकि मेरे होठ सूख रहे थे। और ये व्लॉग मैं यही एंड करती हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। लफी तो खेलती रहेगी ऐसे ही।